वेलकम बैक दोस्तों। कुछ महीनों पहले मैंने एक हिंदी मूवी का एक्सप्लेनेशन किया था जिसका नाम था फूड फेरी, और जो लोग उस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखे होंगे वो लोग जानते हैं कि उस मूवी का एंडिंग किस तरह से है। कुछ लोगों को उस मूवी का एंडिंग पसंद आया और कुछ लोगों को नहीं। कहने का मतलब यह है कि कुछ आलसी डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने मूवी का एंडिंग हम व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं, और जब भी हम ऐसी मूवीज देखते हैं तो उस मूवी के एंडिंग से हमारे दिमाग में उस मूवी की शुरुआत होती है। उसी तरह की है ये मूवी नेल पॉलिश। ये मूवी रिसेंटली Zee5 पे रिलीज हुई थी। तो चलिए, वीडियो लंबी होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से जो प्रिजनर्स के कपड़े पहना हुआ रहता है, और उसी तरह वो बहुत ही बुरी हालत में खून में लथपथ हो चुका होता है। उसके बाद हमारे खोए हुए भाई साहब का इंट्रोडक्शन होता है, और ये भाई साहब भागे भागे हॉस्पिटल आते हैं उस बंदे को देखने के लिए। और डॉक्टर खोए हुए भाई साहब से कहते हैं, उन लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन इन्होंने अपने सर को किसी भी तरह करके बचा लिया। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर फिर से हमारे खोए हुए भाई साहब को हॉस्पिटल बुलाते हैं, और उसे बताने लगते हैं कि उनकी बॉडी तो रिकवर हो चुकी है, लेकिन उनका दिमाग अभी भी जागना नहीं चाहता, और एक्चुअली उन्होंने अपना नाम तक भूल चुके हैं। और एक दिन हॉस्पिटल में वो बंदा अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका नाम उसे याद ही नहीं आ रहा होता। तो तब वो बंदा उस नर्स से पूछने लगता है कि मेरा नाम क्या है। तो वो नर्स उसका नाम बताती है, तुम्हारा नाम वीर है, वीर सिंह। उसके कुछ दिनों बाद वीर सिंह को बहुत अजीब तरह के दौरे पड़ना शुरू हो गए, और वो अपने आप को जख्मी भी कर लिया था। और फिर एक दिन वीर सिंह को उसका असली नाम याद आ गया, और वो डॉक्टर्स को बताता है, मुझे सारा सब कुछ याद आ गया। ये सारा सब कुछ सुनने के बाद खोए हुए भाई साहब डॉक्टर से कहने लगते हैं, क्या मैं उनको देख सकता हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद एक अदालत को दिखाया जाता है, और बैकग्राउंड में एक बंदा हम व्यूअर्स को ये कहने लगता है, जुर्म दिमाग करता है, इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम लगते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कटघरे में खड़ा हुआ इंसान गुनहगार भी है और बेगुनाह भी, इसलिए इस केस के हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखिए, क्योंकि आखिरी फैसला आप ही का होगा। और हाँ, ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 9 महीने पहले, जहाँ पर वीर सिंह का इंट्रोडक्शन होता है, और ये किसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहाँ पर सुनील DCP आता है, और सुनील वीर सिंह का अच्छा खासा दोस्त है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि गवर्नमेंट ने सुनील को बच्चा हत्याकांड का केस इसके हाथ में दे दिया है, जो 5 सालों में अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। खैर, उसके बाद 2 लड़कों का इंट्रोडक्शन होता है, और ये दोनों सांपों को छोड़ने के लिए किसी जगह पर आते हैं। ये दोनों जब यहाँ पर आते हैं तो किसी पत्थर के पीछे एक आग जल रही होती है। जब ये दोनों उस आग को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली 2 बच्चे जल रहे होते हैं। ये 2 लड़के फौरन मिट्टी लाकर उस आग को बुझा देते हैं। उसके बाद ये दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और उसी तरह उन दोनों बच्चों के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सुनील उन दोनों लड़कों से इस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है, तो वो 2 लड़के सुनील को बताने लगते हैं कि सर, हम MBA स्टूडेंट्स हैं, और पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक ब्लैक SUV गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद हम पीछे चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर आए तो हमने ये नज़ारा देखा। तो सुनील उन दोनों लड़कों से उस गाड़ी का नंबर पूछने लगता है, तो उनमें से एक लड़का उस गाड़ी का नंबर इधर उधर बताने लगता है। वो सुनने के बाद सुनील फौरन शहर का चेक पोस्ट लगा देता है, गेट लगा देता है। जब पुलिस की चेकिंग हो रही होती है कि तभी वहाँ पर वो ब्लैक SUV आती है, तो वो कार पुलिस को देकर पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस गाड़ी को फॉलो करने लगता है, और तभी फौरन उस गाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी को छोड़ के जंगलों में भागने लगता है। अफसोस, पुलिस उस आदमी को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन गाड़ी इनके हाथ लग जाती है। और जब वो इंस्पेक्टर उस गाड़ी को चेक करने लगता है कि सच में उस गाड़ी के पीछे खून लगा हुआ रहता है। उसके बाद सुनील अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुनील फेरा नाम के एक आदमी को हिरासत में लेता है। तो वो आदमी इन पुलिस को एक फार्म हाउस लाता है, और फेरा का कहना है कि उसने वो ब्लैक SUV यहीं पर खड़ी हुई देखी थी। जब पुलिस इस फार्म हाउस को चेक करने लगती है तो पुलिस को उस फार्म हाउस में एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। जब पुलिस उस दरवाजे को ओपन करती है तो इन दोनों को बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है। और जब सुनील और इंस्पेक्टर ये दोनों उस बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में सुनील वीर सिंह के पास आता है, और उससे कहता है, 2 बच्चों की हत्या के केस में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद सुनील वीर को अपने कैबिन में बुलाता है उससे पूछताछ करने के लिए,
और वीर सिंह की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि वीर सिंह को इन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और वीर सिंह अपना सारा का सारा टाइम ग्राउंड में बिताता है और जब शाम होती है तो वो सुनील के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ होता है। और उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है एडवोकेट अमित कुमार। और गवर्नमेंट अमित को वीर सिंह का केस सौंपती है और अमित के लिए ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका करियर बन सकता है इस केस से। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है जय सिंह और ये भी एडवोकेट है। और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी जय सिंह को वीर सिंह का केस सौंपती है और उससे कहती है कि तुम्हें जय सिंह का केस लड़ना होगा और जीतना होगा। और पार्टी वाले जय सिंह को कुछ लालच वगैरह देने लगते हैं। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जय सिंह एक्चुअली अपने फादर से बहुत नफरत करता है और जय सिंह का फादर भी एक एडवोकेट था। अब ऑफकोर्स वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वीर सिंह को लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जब जेल में वीर सिंह खाना खाने के लिए जाता है तो बाकी प्रिजनर्स वीर सिंह को सीधी तरह से खाना नहीं देते, तो वीर सिंह कभी भी जेल नहीं आया था तो वो इस बात को कैजुअली ले लेता है। और इस तरफ अमित अपने सारे असिस्टेंट को जमा करता है और उनसे कहता है कि हम किसी भी तरह करके इस केस को लड़ना होगा और जीतना होगा। वीर सिंह के कैरेक्टर को हम साइड में रखते हुए हमें सिर्फ सबूतों पर ध्यान देना होगा। और उसी तरह दूसरी तरफ जय सिंह भी रेडी होता है वीर सिंह के केस को लड़ने के लिए। मतलब बात यह है कि दोनों पर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है। उसके बाद जय सिंह वीर सिंह से मिलने के लिए आता है जेल और उसको बताने लगता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ने वाला हूँ और इसके लिए तुम मुझे कोई पे करने की जरूरत नहीं है, वो सारा सब कुछ हम केस जीतने के बाद बात करेंगे। तो वीर सिंह भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद जब वीर सिंह जेल में बाथरूम धोने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वीर सिंह से कहने लगते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है दादा शाह को तुम टैक्स तो दो या तो फिर GANDT तो दो। खैर उसके बाद कोर्ट की पहली सुनवाई होती है, वीर सिंह को कोर्ट में लाया जाता है और फिलहाल इस केस का जज है जज किशोर भूषण। और जज उन दोनों वकीलों को ओपन स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। तो पहले अमित अपने सीट से खड़ा होता है अपना स्टेटमेंट देने के लिए और कोर्ट को बताने लगता है, जज साहब वीर सिंह पर श्याम और श्यामला का हत्या का केस लगा है और उन दोनों बच्चों को बहुत बुरी तरह से जला के मार दिया। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वीर सिंह के खिलाफ काफी सारे सबूत मिले और इसी के बलबूते पर पुलिस वीर सिंह को गिरफ्तार कर पाई। उसके बाद जय सिंह अपने सीट से खड़े होता है और कोर्ट को बताने लगता है कि जज साहब जो कुछ भी मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। अब चूंकि इलेक्शंस नजदीक में है तो पार्टी भी यही चाहती है कि किसी जाने माने शख्स को फंसा कर वो क्रेडिट अपने ऊपर ले ले, और मेरे क्लाइंट के केस में यही हो रहा है। इस तरह से ये दोनों अपना अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब कभी भी वीर सिंह कोर्ट में आता है तो वीर सिंह टेबल पे पड़े पेपर वेट को लेकर उससे खेलने लगता है, जो कैजुअली हम लोग करते हैं ना उसी तरह से। इस बात को आप थोड़ा गौर से देखिए। खैर उसके बाद अमित सुनील DCP को बुलाता है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और सुनील कोर्ट को बताने लगता है कि 5 सालों में तकरीबन 38 माइग्रेंट बच्चों का इसी तरह से कत्ल हुआ है और इन दोनों बच्चों को भी इसी तरह से मारा गया। और उसके बाद सुनील कोर्ट को वीर सिंह तक कैसे पहुंचा ये बताने लगता है। अब चूंकि पुलिस के पास वो ब्लैक SUV थी तो उस कार को ट्रेस करने पर उन लोगों को एक बंदे के बारे में पता चला जिसका नाम है फेरा, और ये ब्लैक SUV इसी बंदे की है। लेकिन 5 साल पहले फेरा ने अपनी इस गाड़ी को किसी दूसरे बंदे को भाड़े पर दिया था और फेरा ने उस बंदे को एक ही बार देखा था जो दाढ़ी मूछ लगाकर था। लेकिन एक दिन फेरा अपनी गाड़ी को फॉलो करने लगा ये पता करने के लिए कि एक्चुअली वो बंदा इसकी गाड़ी को कहां पर ले जाता है और क्या काम के लिए यूज करता है। तो इसी दौरान वो ब्लैक SUV एक फार्म हाउस पर आके रुकी थी, और जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो फेरा ही था जो पुलिस को यहां पर लाया था। और जब पुलिस उस फार्म हाउस को चेक करने लगी तो इनको एक बेसमेंट मिला और उस बेसमेंट में एक बच्चा बंदा हुआ था और उसी तरह से वो बहुत ही बुरी हालत में था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये बात भी पता चली कि वो फार्म हाउस एक्चुअली वीर सिंह के चाचा है, जो 5 साल पहले वीर सिंह के चाचा ने वीर सिंह के नाम कर दिया। उसके बाद जय सिंह की बारी आती है सुनील से पूछताछ करने के लिए, और इसी सवाल जवाब के दौरान सुनील कोर्ट को ये बताता है कि उस बेसमेंट में वीर सिंह के कहीं पर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, और एक्चुअली जब रोड की नाकाबंदी हुई थी तो उस वक्त वीर सिंह ने मिठाई के डब्बा लेकर किसी ऑर्फनेज गया था और उसके 2 घंटे बाद ही पुलिस ने वो SUV कार को फाइंड आउट किया। मतलब पुलिस ये समझती है कि पहले वीर सिंह उस ऑर्फनेज गया और उसके बाद अपने कपड़े वगैरह बदल कर फिर से वो अपने फार्म हाउस आया अपनी SUV को लेने के लिए,
और यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी है। और 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी वो भी पैदल से ट्रैवल करना, ये थोड़ा बहुत नामुमकिन है। लेकिन सुनील कोर्ट को बताने लगता है कि वीर सिंह एक बहुत अच्छे रनर है, क्योंकि वीर सिंह एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और उसी तरह एक अच्छा एजेंट भी है। और फाइनली जय सिंह कोर्ट को बताने लगता है कि जज साहब, ये सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद है। अगर क्राइम करने वाला क्राइम करना चाहता है तो वो खुद की प्रॉपर्टी क्यों चूज करेगा। एक्चुअली जज साहब, बात यह है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर कोर्ट का पहला दिन खत्म हो जाता है। कोर्ट खत्म होने के बाद जज भूषण अपने घर आता है और इसकी एक बीवी होती है जिसका नाम है शोभा भूषण, जो पियकड़ होती है, मतलब ये हमेशा पी के टल्ली रहती है। और मूवी के बीच बीच में इनके कुछ सीन्स दिखाए गए है, एंड आई थिंक इट मेक नो सेंस। खैर, उसके बाद यहाँ पर जेल में दादा शाह का आदमी वीर सिंह के पास आता है और उससे फिर से यही बात कहता है, दादा शाह का ऑफर अभी भी खुला है, सोच लो तुमको सब सुविधाएं मिल सकती है। खैर, उसके बाद कोर्ट का दूसरा दिन आता है जहां पर अमित उस बच्चों की ऑटोप्सी करने वाले को बुलाता है कटघड़े में, और वो बंदा कोर्ट को बताने लगता है कि पहले उन बच्चों का रेप किया गया, कुछ देर बाद उन बच्चों को गला घोट के मार दिया गया और मरने के बावजूद भी उन बच्चों के साथ रेप किया गया, और थोड़ी देर बाद उन बच्चों की लाश को जलाया गया। तो उस बंदे की बात सुनते ही वीर सिंह हैरान परेशान रह जाता है और वीर सिंह भी अंदर का अंदर दुखी होने लगता है। लेकिन एग्जामिन के दौरान इन लोगों को एक और बात पता चली कि उन दोनों में से एक बच्चे का जबड़ा जाम हो गया था, जैसा लगता हो उस बच्चे ने किसी चीज को जोर से काटा हो। और कुछ एग्जामिन करने के बाद उस बच्चे के मुंह में एक स्किन का सब्सटेंस मिला है। फिलहाल इन्होंने उस सैंपल को फॉरेंसिक वालों को भेज दिया है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब डीएनए मैचिंग के लिए। और उसके बाद अमित कोर्ट को ये बताता है कि जज साहब, जब पुलिस वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो वीर सिंह के हाथ पे भी वही बाइट मार्क्स मिले, और इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि उस बच्चे की हत्या वीर सिंह ने ही की है। खैर, उसके बाद जय सिंह की बारी आती है और जय सिंह कोर्ट को बताने लगता है कि जज साहब, वीर सिंह एक स्पोर्ट्स ट्रेनर है और इस घटना के पहले वीर सिंह के हाथ को क्रिकेट बॉल लगी थी और क्रिकेट बॉल के भी दांत होते हैं जिसे हम सीन कहते हैं। इस तरह से कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा होता है और वीर सिंह बहुत ही मायूस फेस लेकर उन बच्चों की माँ बाप की तरफ देखता है, और सच में वो माँ बाप बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और वो माँ बाप अंदर का अंदर टूट चुके हैं। खैर, उसके बाद अमित फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता है जिसका नाम है माया, और माया कोर्ट को ये बताती है कि उन बच्चों की बॉडी पर वीर सिंह के डीएनए पाए गए, और जहां पर बच्चों को टॉर्चर किया गया था वहां पर भी वीर सिंह के डीएनए पाए गए। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वीर सिंह के डीएनए उस कार में पाए नहीं गए। उसके बाद माया कोर्ट को ये बताती है कि जब फॉरेंसिक वाले वीर सिंह का घर चेक करने गए थे तो उसके घर में कुछ कॉन्डोम्स मिले थे, और उन कॉन्डोम का जो रेसिड्यू होता है वो रेसिड्यू उन बच्चों के वजाइना में पाया गया। उसके बाद जय सिंह की बारी आती है माया से पूछताछ करने के लिए, और जय सिंह बंदा माया से कहने लगता है कि मैडम, मैं भी यही ब्रांड यूज करता हूँ, क्या इसका मतलब है कि मैं भी एक मुजरिम हूँ। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि फॉरेंसिक वालों के पास पक्का सबूत नहीं है कि जो बच्चों में पाया गया रेसिड्यू है वो वीर सिंह का ही है। ऐसा कहते हुए जय सिंह हिचकिचाने लगता है और वहीं पर पानी का ग्लास होता है और उस पानी को पीने लगता है। पानी पीने के बाद जय सिंह माया से पूछने लगता है, क्या मेरा डीएनए भी इस ग्लास में होगा। एक्चुअली हम जहां पर भी जाते हैं हमारा डीएनए उस एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वीर सिंह की प्रॉपर्टी वो फार्म हाउस है और वीर सिंह का डीएनए उस फार्म हाउस में पाया जा सकता है, देयर इज नो डाउट। लेकिन उस ब्लैक एसयूवी में मेरे क्लाइंट के डीएनए क्यों नहीं पाए गए। ऑफ कोर्स जब मेरा क्लाइंट उस एसयूवी को चला रहा था तो वहां पर भी मेरे क्लाइंट के डीएनए पाए जाने चाहिए था ना। और ये बात सुनने की देरी माया भी हक्की बक्की रह जाती है। इस तरह से कोर्ट में दूसरा दिन भी खत्म होता है। कोर्ट खत्म होने के बाद अमित अपने असिस्टेंट को बुलाकर उनको डांटने लगता है कि मुझे कुछ ऐसा सबूत लाके दो कि ये पक्का यकीन हो जाए कि वीर सिंह ही मुजरिम है। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा था कि ये केस अमित के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत नर्वस भी रहता है और उसी तरह बहुत स्ट्रेसफुल भी रहता है, और अमित एक अस्थमा का पेशेंट है। खैर, दूसरे दिन अमित एक नया एविडेंस लाता है जो डिफेंस के पास है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब जय सिंह को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जज उन दोनों को अपने पास बुलाता है और अमित से पूछने लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने जय सिंह को क्यों नहीं दी। तो अमित कहता है कि सर, मुझे ये रिपोर्ट्स कल रात ही मिले थे और उस बच्चे के मुंह में जो डीएनए सैंपल्स पाए गए उसके रिपोर्ट्स है ये। लेकिन जय सिंह अपना डिफेंस करने के लिए जज से कुछ टाइम मांगता है, तो जज भूषण जय सिंह को 10 दिन का वक्त देता है।
खैर उसके बाद अमित अपने दूसरे गवाह को बुलाता है जिसका नाम है यशपाल। यशपाल और वीर सिंह ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और कश्मीर में इन दोनों ने एक साथ काम किया था एक मिशन पर, और उस मिशन में वीर की आइडेंटिटी थी रंजीत। उसके बाद अमित यशपाल से पूछने लगता है कि आपके हिसाब से वीर सिंह कैसे इंसान थे, तो यशपाल कोर को बताने लगता है कि ही वाज ए वेरी ट्रेंड असासियन और बहुत ही बेरहम, भेस बदलने में माहिर, अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है वीर। उसके बाद यशपाल कोर को उस मिशन के बारे में बताने लगता है, मतलब ये दोनों जब कश्मीर में थे इन दोनों को एक बिजनेसमैन को ट्रैक करना था, उसे पकड़ना था, लेकिन उस बिजनेसमैन की कमजोरी थी बच्चे और वीर ने उसी कमजोरी को भांप लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां की पुलिस ने उस बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया और उसके कॉटेज के उस पार दो बच्चों की लाश मिली, और वो बिजनेसमैन पुलिस से कहने लगा था कि इन बच्चों को लाने वाला मैं नहीं था और इन दोनों बच्चों को मारने वाला भी मैं नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद वीर सिंह का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद हेडक्वार्टर्स ने यशपाल को अपने ऑफिस बुला लिया और यशपाल समझता था कि वीर सिंह ने उसका इल्जाम यश पर डाल दिया, जिसकी वजह से यशपाल ने उस जॉब को रिजाइन कर दिया, और यशपाल ये समझता है कि इसकी वजह वीर सिंह ही है। और देखते ही देखते यशपाल गुस्सा होने लगता है और कोर्ट को बताने लगता है कि जज साहब इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, ही इज ए मर्डरर। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि यशपाल वीर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर उसके बाद जय सिंह वीर सिंह से मिलने के लिए आता है जेल में और उसको बताने लगता है उस बच्चे के मुंह में जो डीएनए सैंपल्स पाए गए वो सैंपल्स तुम्हारे डीएनए से मैच करते हैं, लेकिन तुम फिकर मत करो मैं उसमें डाउट क्रिएट कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे उन सैंपल्स को यूएसए भेजना होगा परसेंटेज चेक करने के लिए, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन वीर सिंह जय सिंह से कहता है कोई नहीं मैं इसका खर्चा उठाऊंगा, तुम उन रिपोर्ट्स को फॉरन भेजो। उसके बाद जेल में वीर सिंह के साथ वही बर्ताव किया जाता है, उसको खाने को कुछ भी नहीं देते। वीर सिंह फौरन दादाशाह के पास आता है और एक स्पून लेकर उसकी आंख फोड़ देता है, जिसकी वजह से दादाशाह की आंख नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी दादाशाह के आदमी वीर सिंह को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और वीर सिंह बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद क्या था, जय सिंह वीर सिंह से मिलने के लिए आता है हॉस्पिटल और उसके बाद डॉक्टर ने जय सिंह को वही बात कहा था जो मूवी के स्टार्टिंग में कहा था। तो उसके कुछ दिनों बाद जय सिंह जज से आ मिलता है और जय सिंह यही बात जज को और अमित को आके बताने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी अमित इस ट्रायल को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जय सिंह इस बात के लिए मानता नहीं, और इसकी वजह से जज उन दोनों को ये बताता है कि जब वीर सिंह हॉस्पिटल से रिहा होकर अच्छे होकर वापस आ जाएंगे तब ये ट्रायल कंटिन्यू किया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फिर से जय सिंह को हॉस्पिटल बुलाता है और जय सिंह को बताने लगता है कि उनकी फिजिकल हालत तो ठीक हो चुकी है, लेकिन वो मेंटली अभी भी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान वीर सिंह बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे और बीच बीच में वीर सिंह को दौरे पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स ने पहले सोचा था कि ये कोई कैजुअल ट्रोमा होगा, लेकिन वीर सिंह की हालत और बिगड़ती जा रही थी, और एक दिन वीर सिंह डॉक्टर से अपने नेल को साफ करने के लिए नेल क्लिपर मांगा, और जब डॉक्टर्स वीर सिंह को चलने के लिए कहा तो वीर सिंह की चाल एक लेडी की तरह थी, वो एक मर्द की चाल नहीं थी। और एक दिन वीर सिंह को उसका असली नाम याद आ गया और इसका नाम है चारू, चारू रैना, और यही बात वो डॉक्टर्स को बताने लगता है। और एक दिन नर्स ये देखा था कि वीर सिंह किसी कोने में बैठकर अपने बालों को सवार रहा था, जैसे एक लड़की सवारती है ना, हालांकि वीर सिंह के बाल नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था, और सच में ये बात डॉक्टर्स के लिए हैरान कर देने वाली बात है। तो ये सारा सब कुछ सुनने के बाद तब जाके जय सिंह डॉक्टर से कहता है क्या मैं उससे जाके मिल सकता हूँ, और यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है। उसके बाद जय सिंह वीर सिंह के पास आकर ये कहता है कि तुम जो कुछ भी ये नाटक कर रहे हो ये नाटक बंद करो, इससे कोई होने वाला नहीं है, मैं किसी भी तरह करके इस केस को जीत लूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी वीर सिंह अपना नाम चारू बताने लगता है। ये देखकर जय सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वीर सिंह से कहने लगता है कि तुम जो भी हो कोर्ट में तुमको हाजिर होना ही होगा। और दूसरे दिन यही बात जय सिंह अमित और जज को जाके बताने लगता है कि वीर सिंह कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगा है। लेकिन जज और अमित ये दोनों जय सिंह की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देते। अब क्योंकि वीर सिंह की फिजिकल हालत ठीक हो गई है वो फिर से जेल आ जाता है, और जेल आने के बाद दादाशाह वीर सिंह को किसी कमरे में बुलाता है और उसका रेप करने लगता है। और यहाँ पर भी सच में वीर सिंह एक लड़की की तरह बिहेव करने लगता है। जब दूसरे दिन वीर सिंह कोर्ट आने लगता है तो सारी की सारी मीडिया उस पर टूट पड़ने लगती है,
लेकिन जय सिंह वीर सिंह को किसी भी तरह करके बचाते हुए कोर्ट में लाता है और कोर्ट में सारे के सारे लोग वीर सिंह का ये नया चेहरा देखकर शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद अमित वीर से माया को बुलाता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट और माया वीर से कोर्ट को ये बताती है कि उस बच्चे के मुंह में जो सैंपल्स पाए गए डीएनए सैंपल्स वो डीएनए सैंपल्स वीर सिंह के डीएनए से मैच हो रहे हैं। लेकिन तभी जय सिंह उठ खड़ेता है और जज को उसके रिपोर्ट्स दिखाने लगता है। मतलब जय सिंह ने भी उन सैंपल्स को फॉरेन भेजा था और रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो सैंपल्स और इसके सैंपल्स में 50-50 का फर्क है, मतलब 50-50 का मैच हो रहा है। लेकिन अमित जज को बताने लगता है कि जज साहब मैच हुआ तो हो चुका, 50% हो या 70% हो, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वीर सिंह इज द मर्डरर। ये बात सुनने के देरी वीर सिंह अपने सीट से खड़े होता है और बहुत नाजुक तरीके से अमित से कहने लगता है, देखिए ये नाम मेरा नहीं है, मेरा नाम चारू रैना है। लेकिन अमित वीर से वीर सिंह को वीर सिंह ही कहकर बुलाने लगता है। ये नाम सुनने के देरी वीर सिंह अपना सर टेबल से कूटने लगता है, जिसकी वजह से वीर सिंह के सर से खून भी निकलने लगता है। इस तरह से कोर्ट में एक हंगामा खड़ा हो जाता है। ये देखकर जज जय को अपने कैबिन में बुलाता है तो जय उन दोनों को बताने लगता है, व्हाट गाइस, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था कि वीर सिंह की हालत कुछ इस तरह की है। तो जय सिंह जज को बताने लगता है कि जज साहब इस ट्रायल को मिस ट्रायल डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब जय सिंह कहता है वो वीर सिंह को छोड़ दे क्योंकि अब वीर सिंह नहीं रहा। लेकिन जज उन दोनों को अपना फैसला सुनाता है कि पहले हमें ये जानना होगा कि सच में वीर सिंह को ट्रोमा हुआ है या तो फिर वीर सिंह एक नाटक कर रहा है, इसलिए मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को हायर करूंगा जो वीर सिंह का ट्रीटमेंट करे, तब तक के लिए ये ट्रायल नहीं होगा। और ऑफ कोर्स वीर सिंह की बात अपोजिशन पार्टी को पता चल जाती है और अपोजिशन पार्टी वाले जय सिंह को कॉल करके पूछने लगते हैं कि यह क्या नया ड्रामा है, यह केस जीतना नहीं कहते। लेकिन जय सिंह उस आदमी को बताता है, तुम्हारी पार्टी की माँ की आंख, अब मैं यह केस खुद लड़ूंगा, ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। उसके बाद दूसरे दिन जज एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को लाता है जिसका नाम है नंदी, और नंदी इन तीनों को एक बीमारी के बारे में बताने लगता है जिसका नाम है DID, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिकल डिसऑर्डर। मतलब एक इंसान कई इंसानों की तरह चेंज हो सकता है और ऐसे मूवीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे अपरिचित को आपने देखा ही होगा। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको ये बात पता चलती है कि वीर सिंह को इसके 3 साल की उम्र में ये डिसऑर्डर हुआ था जब वीर सिंह की माँ का देहांत हो चुका था, और फिर से इतने सालों बाद वीर सिंह को ये ट्रोमा हुआ है, ये डिसऑर्डर हुआ है। खैर उसके बाद डॉक्टर नंदी वीर सिंह को बुलाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, तो वीर सिंह अपने बारे में बताने लगता है कि इसका नाम चारू रैना है और कश्मीर में इसकी शादी हो चुकी थी, इसके हस्बैंड का नाम है विनोद रैना और इन दोनों का एक बच्चा भी है। और इसी पूछताछ के दौरान डॉक्टर नंदी वीर सिंह से उसके हस्बैंड का फोन नंबर पूछने लगता है, तो वीर सिंह बिना हिचकिचाए वो फोन नंबर को बताने लगता है, तो जज भूषण फौरन उस नंबर को कॉल करता है और सच में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि विनोद की चारू रैना से शादी हुई थी और जज भूषण ने विनोद को यहाँ पर बुलाया है। इस तरह से जब ये सारे लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो तभी वीर सिंह उन लोगों से पूछने लगता है कि सर मुझे नेल पॉलिश मिलेगी, देखिए मेरे नेल कितने गंदे हो चुके हैं। खैर उसके दूसरे दिन बाद विनोद जज से मिलने के लिए आता है और इन लोगों को बताने लगता है कि हाँ मेरी शादी चारू रैना से हुई थी और जब शादी हुई थी उसके और मेरे उम्र के बीच तकरीबन 20 साल का फर्क था, अब चारू बहुत खूबसूरत थी इसलिए मैंने चारू से शादी की, लेकिन आज से 10 साल पहले चारू ने कश्मीर छोड़ के भाग गई और जज साहब अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब चारू को अपनाना नहीं चाहता और मेरा एक बच्चा भी है। इस तरह से कहते हुए विनोद चारू की फोटो उन लोगों को दिखाने लगता है। उसके बाद वीर सिंह को बुलाया जाता है और वीर सिंह विनोद को देखकर बहुत खुश होने लगता है और वीर सिंह विनोद का हालचाल पूछने लगता है कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, हमारा बच्चा कैसा है। यह सुनने की देरी बेचारा विनोद वहां से फौरन भागने लगता है। उसके बाद अमित जज से कहता है कि जज साहब हम वीर सिंह का नार्को टेस्ट करेंगे, इससे सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जय सिंह इस बात के लिए मानता नहीं क्योंकि किसी भी शख्स का नार्को टेस्ट करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वीर सिंह की बॉडी यहाँ पर है लेकिन वीर सिंह का दिमाग नहीं है। लेकिन डॉक्टर नंदी जज से कहता है हम एक और मेथड ट्राई कर सकते हैं और वो है हिप्नोटिज्म, जिससे पुरानी यादें वापस आ सकती है। तो खैर उसी तरह से डॉक्टर नंदी वीर सिंह का हिप्नोटिज्म करने लगता है और धीरे धीरे वीर सिंह अपने चारू के कैरेक्टर को उन लोगों को बताने लगता है कि इसका नाम चारू रैना है और इसकी शादी एक बूढ़े इंसान से हुई थी जो चारू रैना बिल्कुल भी उस आदमी को पसंद नहीं करती थी।
शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद चारू रैना को एक बच्चा भी हुआ और इसी दरमियान में चारू की मुलाकात रंजीत नाम के एक शख्स से हुई। धीरे धीरे इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ती गई और इन दोनों में प्यार भी हो गया। एक दिन रंजीत और चारू ये दोनों किसी जगह पर बैठे हुए रहते हैं तो रंजीत की नज़र दोनों बच्चों पर पड़ती है, एक छोटी सी फैमिली पर, और चारू से कहने लगता है कि काश मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर पाता। तो दूसरे दिन रंजीत चारू की मदद से उन फैमिली को कुछ खाना कपड़े वगैरह दे दिया था, लेकिन रंजीत उन बच्चों के लिए कुछ और बड़ा करना चाहता था और वो चारू से कहने लगता है कि मैं उन दोनों बच्चों को बड़े से स्कूल में दाखिला करवाना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद चारू बहुत खुश होती है और चारू उनकी फैमिली के पास जाकर उन दोनों बच्चों को अपने पास ले लेती है कि मैं इन दोनों बच्चों का बड़े से स्कूल में दाखिला करवाऊंगी, और चारू उन दोनों बच्चों को लेकर रंजीत के हवाले कर देती है और चारू ये समझती है कि रंजीत इन दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाएगा। और जब चारू अपने सहेली के गांव गई थी, शहर गई थी, तो उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो कुछ दिनों पहले चारू ने इस बच्चे को रंजीत के हवाले किया था। वो बच्चा उस कॉटेज में होता है और यही बात चारू रंजीत को आके बताने लगती है कि मैंने उस शहर में उस बच्चे को देखा, हालांकि वो बच्चा अब स्कूल में होना चाहिए। और चारू ठान लेती है कि वो पुलिस को सारा सब कुछ बताएगी, लेकिन रंजीत चारू से कहता है कि पहले मुझे कंफर्म करने दो। तो दूसरे दिन रंजीत चारू के पास आकर कहता है कि मैं अभी अभी उन दोनों बच्चों को उस स्कूल में देख कर आया हूँ, पता नहीं तुमने कौन से बच्चे को वहाँ पर देख लिया। लेकिन चारू रंजीत को बिना बताए उस स्कूल को खत लिख देती है, लेकिन वो स्कूल वाले चारू को रिप्ले लेटर भेजा और उनका कहना था कि ऐसे नाम के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं है। और अफकोर्स चारू के लिए ये बात शॉकिंग वाली बात है, तो चारू से रहा नहीं गया, वो फौरन पुलिस के पास जाकर सारा सब कुछ बता देती है। लेकिन चारू रंजीत का नाम बाहर नहीं लाती क्योंकि चारू रंजीत से बहुत प्यार करती थी। तो तब जाके पुलिस उस कॉटेज का छप्पा मारती है जहां पर वो उन दोनों बच्चों की लाश को बाहर निकालती है, और ये सारा सब कुछ चारू की आंखों के सामने हुआ था। और ये नज़ारा देखकर चारू टूट के बिखर जाती है और फिर से यही बात पूछने के लिए चारू रंजीत के पास आती है। और तब जाके रंजीत चारू को अपना असली नाम बताता है कि इसका नाम वीर सिंह है और ये एक अंडरकवर ऑफिसर है। और वीर सिंह चारू को बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से वो बिजनेसमैन मेरे हाथ से छूट गया, अगर हम चाहते तो उन दोनों बच्चों के साथ साथ कई सारे बच्चों को बचा पाते, लेकिन तुमने सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया। यह सुनने के बाद चारू दूर जाकर रोने लगती है, लेकिन वीर सिंह चारू के पास आकर कहता है ये मिशन खत्म होने के बाद मैं ही तुमको असली नाम बताने वाला था, लेकिन इसी बीच यह सारा सब कुछ हो गया। इस तरह कहते हुए वीर सिंह चारू को गले लगाता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में वीर सिंह जो चारू बन चुका है वो उन लोगों को बताता है कि इस तरह कहते हुए वीर सिंह मुझे अपने गले लगाया और फौरन मेरी गर्दन मरोड़ दी, मतलब वीर सिंह ने चारू को मार दिया। उसके बाद फिर से कोर्ट की सुनवाई होती है और पहले अमित खड़ा होता है और कोर्ट को यही अपील करने लगता है कि इन सारे सबूतों को नजर में रखते हुए कोर्ट वीर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दे। और अमित कोर्ट को ये भी बताता है कि वीर सिंह ने खुद कहा है कि वीर सिंह चारू से प्यार करता था और वीर सिंह चारू का नकाब ओढ़ना ये कोई मुश्किल का काम नहीं है क्योंकि वीर सिंह चारू को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वीर सिंह चारू का नकाब ओढ़ के ये नाटक कर रहा है। उसके बाद जय सिंह उठ खड़ेता है और कोर्ट को बताने लगता है कि जज साहब आपने खुद देखा कि हिप्नोटिज्म के दौरान वीर सिंह का कैरेक्टर बाहर नहीं आया, वो चारू में ही अपनी कहानी को कहा था, और कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने मर्डर का इल्जाम अपने खुद पे लेगा, मतलब वीर सिंह ने चारू का मर्डर किया और हिप्नोटिज्म के दौरान वीर सिंह ने खुद ये कहा कि वीर सिंह ने चारू को मारा। और जज साहब डॉक्टर नंदी ने खुद कहा कि वीर सिंह को DID हुआ है क्योंकि वीर सिंह अंदर का अंदर टूट के बिखर चुका था, और जब जेल में इसके ऊपर हमला हुआ था वो और टूट के बिखर गया जिसकी वजह से इसके अंदर का जो डिसऑर्डर है वो बाहर आया और वो चारू के रूप में बाहर आया। और जज साहब मैं ये चाहता हूँ कि इस ट्रायल को मिस ट्रायल डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि जिसको ऊपर इल्जाम लगाया गया उसकी बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन उसका दिमाग इस कोर्ट में मौजूद नहीं है। खैर उसके बाद एक घंटे का ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद फिर से कोर्ट में हाजिरी लगाई जाती है जहाँ पर जज भूषण उसी बातों को दोहराने लगता है जो मूवी की स्टार्टिंग में सुनने को मिले थे। एक्चुअली जुर्म करने वाला दिमाग होता है, बॉडी तो सिर्फ यंत्र है, हमारे दिमाग जैसा चाहता है उसी तरह हमारी बॉडी हमारे दिमाग की बात सुनती है, और इस केस के मुताबिक जिस पर ये इल्जाम लगाया गया है उसकी बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन दिमाग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं इस केस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ।
मतलब कुछ टाइम के लिए पेंडिंग, और तब तक वीर सिंह को अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। अगर इसी बीच में वीर सिंह का कैरेक्टर वापस आ जाए तो ये ट्रायल फिर से कंटिन्यू होगा। इस तरह से जज अपना फैसला सुनाता है, तो ये फैसला सुनने के बाद अमित मायूस हो जाता है और जयसिंह बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि एक साइड से जयसिंह की ये जीत होती है। और जब जज ये फैसला सुनाता है तो तब वीर सिंह उस टेबल पे पड़े पेपर वेट को अपने हाथ में लेता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जब तक वीर सिंह एज ए वीर सिंह की तरह कोर्ट में आता था तो वो हमेशा उस पेपर वेट के साथ खेलता था, लेकिन जब वीर सिंह चारू रैना बना तो वो उस पेपर वेट को छुआ तक नहीं, वो सिर्फ अपने आप को संवारता गया। वो डर में रहता था और उसके बाद उसकी नज़र भी एक मर्द की नज़र थी, ना ही कि औरत की नज़र, और उस नज़र में जीत दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग की तरफ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वीर सिंह सच में नाटक कर रहा था या तो फिर सच में वीर सिंह को डीएडी हुआ है? तो यहाँ पर मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि वीर सिंह नाटक कर रहा, तो मूवी में इसके कुछ सबूत है। नंबर वन, वीर सिंह एक अच्छा असासियन है और ऑफकोर्स वीर सिंह को अपना डिफेंस करना आता होगा। लेकिन जब जेल में दादा शाह के आदमी वीर सिंह को मार रहे थे तो वीर सिंह ने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि वीर सिंह मार खाना चाहता था। नंबर टू, वीर सिंह की प्रेमिका चारू। वीर सिंह चारू को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वीर सिंह के लिए ये बहुत आसान काम है कि वो चारू का नकाब ओढ़े, चारू के जैसा बिहेव करे, क्योंकि यशपाल खुद ने कहा था कि वीर सिंह किसी भी हद तक जा सकता है। और नंबर थ्री, वो पेपर वेट वाली बात। जब तक वीर सिंह कोर्ट में था वो उस पेपर वेट से खेला करता था। तो इन सारी बातों से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वीर सिंह नाटक कर रहा था। लेकिन उसी तरह यहाँ पर एक और बात भी है कि एक्चुअली वीर सिंह को डीएडी हुआ है। तो इसका पहला सबूत है, जब वीर सिंह 3 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो चुका था और 3 साल की उम्र में ही वीर सिंह को डीआईडी हुआ था, डिसऑर्डर हुआ था। और बच्चों की उम्र में उनका दिमाग किस तरह से होता है आपको पता होगा, वो चीज उस दिमाग में सेट हो जाती है। और जब वीर सिंह को ये सदमा लगा कि इसके ऊपर 2 बच्चों का मर्डर केस लगा है तो ये अंदर का अंदर टूट के बिखर गया और इसी दौरे की वजह से वीर सिंह को डीआईडी हुआ है और ये डिसऑर्डर चारू के रूप में बाहर आया, क्योंकि वीर सिंह चारू को बहुत प्यार करता था और वीर सिंह कहीं ना कहीं अफसोस कर रहा था कि इसने चारू को मार दिया। और डॉक्टर नंदी ने एग्जामिन करके खुद कहा था कि वीर सिंह को डीआईडी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि हम हिप्नोटिज्म को हैक भी कर सकते हैं, इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। और ऑफकोर्स वीर सिंह एक जवान था और ये हुनर वीर सिंह को आता ही होगा। तो इस तरह से कुछ प्लस और माइनस के बीच ये मूवी दी एंड होती है और मुझे लगता है कि इसका सेकेंड पार्ट आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और शायद हो सकता है यशपाल ने वीर सिंह को फंसाया होगा, व्हाटएवर आई डोंट नो, कुछ भी एंडिंग हो सकती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।